कौशाम्बी में एक कलियुगी पिता की बर्बरता का मामला देखने को मिला है, जहां कलियुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के पांव को जंजीरों में जकड़कर रखा है। दरअसल आरोपी पिता ने 3 शादियां की थीं, जिसमें से उसकी 2 पत्नियां उसे छोड़कर चली गईं और आरोपी अपनी बेटी और तीसरी पत्नी के साथ ही रहकर उसे जंजीरों से बांधकर रखता है। वहीं जब मीडिया ने इस मामले में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। पढ़े सी गए 5-6 तक, फिर अब नहीं पढ़ाता ही। कहे? अब बंद करा दी, इनके बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो नहीं बेचती अब दुकान पे, मतलब बांध के नहीं, जब कहा थे नहीं रहता ही थी को महतारी बाप, तब इन बांध दे थे। वहीं इस मामले में एसपी ने कहा कि टीम का गठन किया गया है और मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। गांव रजमपुर में सोहराब नाम के एक आदमी ने अपनी बेटी को बताया गया कि बंधक बनाया है, इस पर तत्काल पुलिस को भेजा गया। तो अब जो भी उनको हो सकता है संज्ञान लग गया हो, लड़की ठीक हाल में मिली, बाहर बैठी मिली लड़की, उसके घर वालों के बयान हमने इन कैमरा रिकॉर्ड किए, तो उन्होंने इस प्रकार की किसी बात से इनकार किया। लेकिन आज कुछ अखबारों में इसकी फोटोग्राफ छपी हैं, तो इसमें जो भी तथ्य हैं उसको पता लगाने के लिए टीम का गठन किया गया है। गांव में पूछताछ चल रही है और यदि ऐसा कुछ पाया गया और कोई भी दोषी हुआ तो हम उसके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है कठोर वो हम करेंगे। फिलहाल इस मामले में पीड़ित युवती ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कलियुगी पिता की इस करतूत के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कौशाम्बी से शिवनंदन साहू की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।